आज मैं बता रही हूँ आपको शलवार के लिए बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन जो कि बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे पास शलवार की कटिंग हुई हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने जितना इसमें डिज़ाइन बनाना है उस हिसाब से हमने इसको यहाँ पे लेंथ कम रखी है इसकी। तो यहाँ पे मुझे इसमें पिनटेक्स वाले डिज़ाइन देनी है इसके अंदर। तो ये देखें सादा कपड़ा है, तो यहाँ पे इसमें हम इस तरह से आधे आधे इंच की दूरी पे सब में पिनटेक्स बना देंगे। तो यहाँ तकरीबन इसको मैं जो पिनटेक्स वाला कपड़ा है इसको 6 इंच ज़्यादा लूँगी, लंबाई से 6 इंच में ज़्यादा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने पिनटेक्स सारी बना ली है, और यहाँ पे अब हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरीके करके सबको एक रुख पे बैठा लेंगे पहले सारी प्लेटों को। अब यहाँ पे शलवार का हमारा सीधा वाला साइड है और ये भी सीधा साइड है, दोनों को सीधे साइड को हम मिलाएंगे और यहाँ पे इस तरह से इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो सबसे लास्ट वाली जो हमारी पिनटेक्स है उसके बिल्कुल साथ साथ यहाँ पे इसमें सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखें यहाँ पे हमने इसको शलवार के साथ अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे इसको जमाने के लिए इसको कपड़े को हम ऊपर की तरफ कर देंगे, यहाँ कपड़े को हमने ऊपर की तरफ करके, और यहाँ पे एक किनार की सिलाई लगाएंगे ताकि इसे अच्छी तरह से फिक्स हो जाए इसके साथ। तो ये देखिए मैंने किनार की सिलाई भी लगा ली है और ये अच्छे से सेट हो गया है। फिर अब ये नीचे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम बिल्कुल बराबर का अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, और यहाँ पे इसको इस तरह से बनाएंगे और सिलाई लगा के इसको भी फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको भी फोल्ड कर लिया है, और ये तकरीबन जो हमने फोल्ड किया है 2 इंच का कपड़ा है। अब यहाँ पे मुझे इसमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग और करनी है, तो यहाँ पे मैं एक लूप्स लगाऊंगी। तो ये तकरीबन 5 इंच का हम यहाँ पे इसको इस तरह से गैप देंगे और यहाँ पे एक कट का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे कट का निशान लगाने के बाद अब यहाँ पे हमें साइड की जो सिलाई लगानी होगी, तो दोनों पे एक ही तरह से हम निशान लगा लेंगे। तो ये देखें सारे प्लेटें एक ही रुख पे हैं। अब यहाँ पे हम जितनी हमें पैंचर दबाना है उस हिसाब से यहाँ पे हम इस तरह से मार्क करके निशान लगा लेंगे पहले, और अब यहाँ पे हम उसी मार्किंग पे सिलाई लगाएंगे। तो ये जो मैंने कट का निशान लगाया था सिलाई हमें वहाँ से लगानी है, और पूरी जो सिलाई है इसको हम यहाँ पे कवर कर देंगे। अब इस तरह की यहाँ पे हम पट्टी लेंगे, तो जितना लंबाई ये हमने रखा है इतनी ही बड़ी हम यहाँ पे एक पट्टी कटिंग करेंगे। तो इससे 1 इंच ऊपर के रखते हुए हम पट्टी को कटिंग करेंगे, और ये पट्टी की चौड़ाई जो है तकरीबन 1.5 इंच होगी। तो अब यहाँ पे इसी तरह की हम 4 पट्टियाँ निकाल लेंगे, और यहाँ पे हमें आड़ी डोरी बनानी होगी। तो ये लूप्स लगाने हैं मुझे, लूप्स लगाने के लिए मैं आड़ी डोरी डोरी बनाऊँगी। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ सिलाई जितना मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा सारा हम कटिंग करके निकाल देंगे, और अब यहाँ पे इस डोरी को मैं सीधा कर लूँगी। तो सुई धागे की मदद से हम इसको सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें जितना बड़ा हमने बटन लगाना है तो इसी हिसाब से हम यहाँ पे लूप्स लगाएंगे। तो ये डोरी के बटन के साइज़ का ही लूप्स लगाएंगे। अब यहाँ पे इस तरह से पहले हम निशान बना लेंगे ताकि हमें पट्टी लगाने में आसानी हो। तो इसी चारों पे मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी, और यहाँ पे बिल्कुल किनार पे हम इसके एक रुख पे इस तरह से ये लूप्स को पहले अटैच कर देंगे, और यहाँ पे इसको रखते हुए पट्टी को हम थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के रखेंगे, और यहाँ पे जो हमने निशान लगाया था और ये वाला आड़ा निशान, तो उसी निशान पे हम यहाँ पे ही सिलाई लगा लेंगे। तो ये इस पट्टी को हम सिलाई के साथ फिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने ये पट्टियाँ दोनों इसके साइडों पे ही लगा ली हैं पट्टियाँ। अब ये जो पट्टियाँ हैं हम इनको अंदर की तरफ इस तरह से दबाते हुए, तो यहाँ से देखें इसको इस तरह से हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे बैक साइड पे इसके। तो इसके किनार को अच्छे तरह से दबा के और इसको यहाँ बिल्कुल बराबर का फोल्ड कर देंगे। इन सभी पट्टियों को मैं इसी तरह से दबा लूँगी। तो यहाँ से इसको इस तरह से घुमाएंगे। तो यहाँ से देखें जिस तरह हम कमीज़ की चाक बनाते हैं बिल्कुल हमें ये उसी तरह से बनाना होगा। तो इसको बिल्कुल बराबर का फोल्ड कर देंगे यहाँ से। तो ये देखें हमारा डिज़ाइन बन के तैयार है। तो ये हमारा इस तरह से इसका लुक आएगा, और यहाँ पे मैं इसमें एक पल्स वाला बटन लगाऊंगी
तो ये पल्स वाला मोती भी लगा सकते हैं, बटन भी लगा सकते हैं। तो ये देखें बनके कितना खूबसूरत और डिसेंट सा लग रहा है। तो ये आप अपने ट्राउज़र में भी बना सकते हैं इसको। तो ये मैंने शलवार में बनाया है।